ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल JJFF गेमर्स में। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के डिमांड पर भूतिया हवेली का पार्ट 3। अब आप मुझे ये बताइए गाइस कि ये क्या है। सिर्फ 50% सब्सक्राइब, बाकी 85% अनसब्सक्राइब है गाइस। आप ही बता दीजिए यार की कमी कहाँ है, क्या सुधार करूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे। यार गाइस प्लीज ऐसा मत करो, बहुत हर्ट होता है देखकर। गाइस एकदम सच बता रहा हूँ यार, ये सिर्फ देखने के लिए 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे आपका भाई घंटों मेहनत करता है। गाइस प्लीज यार थोड़ा तो रिस्पांस दो। और गाइस पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाके पहले उन्हें वहां से देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए तो आपको बेहतर समझ आएगा। पर उमा हम जा कहां रहे भाई, और कितना दूर है उस बाबा का घर। लो बस हम पहुंच गए, तुम जाओ और उस बाबा को लेकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर रुमा भाई तू यहाँ अकेला क्या करेगा, तू भी चल ना मेरे साथ अंदर। मैंने कहा ना तुम जाओ और उस बाबा को लेकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ। अच्छा ठीक है उमा भाई, तुम यहीं रुको, मैं भी साधु बाबा को लेकर आता हूँ। साधु बाबा क्या मैं अंदर आ जाऊँ। हाँ बेटा आ जाओ। कहो बेटा क्या समस्या है तुम्हें। बाबा यहाँ से कुछ ही दूर मेरे दोस्त की एक हवेली है बाबा, उस हवेली में एक आत्मा है जो मुझे मारना चाहता है। बेटा कहीं तुम उस कब्रिस्तान वाली हवेली की बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ बाबा मैं उसी हवेली की बात कर रहा हूँ। बेटा तुमने वहाँ जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, वो एक शापित हवेली है और वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा अब आप ही बताइए बाबा, मैं करूँ तो क्या करूँ बाबा। बेटा उस आत्मा से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस आत्मा को नष्ट करना होगा, और उसे नष्ट करने के लिए हमें हवेली जाना होगा। हाँ तो बाबा जल्दी चलिए, देरी किस बात की है, अब अभी चल के उसे नष्ट कर दीजिए। नहीं बेटा उस आत्मा को नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा एक दुष्ट आत्मा है जिसके पास बहुत सी काली शक्तियाँ हैं। क्या। हाँ बेटा, और वहाँ जाने से हमारे जान को भी खतरा हो सकता है, क्या तुम तैयार हो। हाँ बाबा मैं तैयार हूँ, आप बस उसे नष्ट कर दीजिए बाबा। हाँ तो रुको बेटा, उससे निपटने के लिए मुझे कुछ सामान रखने होंगे। हाँ ठीक है बाबा। यार सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे राज को अकेले नहीं भेजना चाहिए था इस हवेली में। अरे ये क्या, छत पर कौन है। अरे कोई भी तो नहीं है, लगता है मुझे वहम हो गया था। चलो मैं जल्दी से जल्दी अंदर जाता हूँ और राज को लेकर आता हूँ, मैं अभी कभी राज को वापस लेकर चला जाऊंगा। राज, अरे ओ राज कहाँ है भाई तू। राज देख मैं आ गया। अरे पता नहीं राज कहाँ चला गया। राज चलो ऊपर चलकर देखता हूँ। अरे राज, राज अरे ये क्या था, कुछ नहीं। राज कहाँ है यार भाई तू। एक काम करता हूँ मैं राज को कॉल कर देखता हूँ। अरे ये क्या, क्या हो गया बाबा। बेटा क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। हाँ बाबा मेरा दोस्त भी आया है। कहाँ है वो, मुझे उसके पास ले चलो अभी। हाँ बाबा चलिए, वो बाहर ही खड़ा है। हाँ बेटा चलो मुझे उसे दिखाओ जरा, कहाँ है बेटा वो। अरे बाबा वो तो यही खड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं बेटा, जो तुम्हारे साथ आया था वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। मतलब, मतलब क्या है बाबा आपका। अरे उमा का कॉल। कॉल उठाओ बेटा। जी बाबा। हाँ उमा बोल। हेलो राज भाई, मैं हवेली पहुँच गया, तू कहाँ है, चल जल्दी आ जा। भाई पर मैं अभी तक बाबा के पास ही हूँ। बाबा, अरे राज किस बाबा की बात कर रहा है तू, मैंने कहा था ना तुझे हवेली में रुकने के लिए। अरे उमा थोड़ी देर पहले तूने ही तो मुझे बाबा के पास लाया था ना। अबे राज तू पागल हो गया है क्या, मैं तो खुद अभी हवेली आया हूँ। क्या। हाँ भाई राज मैं तो अभी हवेली आ रहा हूँ। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तू जल्दी से जल्दी जहाँ कहीं भी है वापस आ जा, फिर अपन दोनों यहाँ से घर चले जाएंगे, अपन दोनों जल्दी से जल्दी घर निकल जाएंगे। भाई बस तू आ जा। नहीं जाने दूंगा। कौन है यहाँ। हेलो उमा, हेलो हेलो उमा भाई तू ठीक तो है ना भाई। हेलो कौन है यहाँ मेरे सामने, आओ कौन है, किसने मुझे आवाज लगाई, कौन है यहाँ। क्यों तू अपनी मौत को देखना चाहता है क्या। कौन, नहीं कौन हो तुम। मौत तेरी और इस हवेली में आने वाली हर किसी की मौत हूँ मैं। बाबा ये कैसी आवाज थी बाबा, मुझे तो लगता है मेरा दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है बाबा, हमें अभी कभी चलना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए बाबा। नहीं बेटा अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हें खुद मेरे पास लेकर आया,
इसके पीछे भी एक वजह है। क्या वजह है बाबा? क्योंकि वो चाहता है कि मैं भी उस हवेली में आऊं और वो मुझसे अपना बदला ले सके। बदला? आपसे कैसा बदला बाबा? क्योंकि बेटा, मेरी वजह से ही उसकी शक्तियाँ उस हवेली में कैद हैं। वो मुझे मारकर अपनी काली शक्तियों को जिंदा करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने उसे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हाँ बाबा, चलिए आप उसे अभी के अभी नष्ट कर दीजिए। हाँ बेटा, चलो। बेटा, पर एक बात का ध्यान बिल्कुल रखना, कुछ भी हो जाए तुम हवेली के अंदर मत जाना। बेटा, जरा तुम गाड़ी यहाँ सामने पर रोक दो। हाँ बाबा, ठीक है। क्या हो गया बाबा, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवा दी? बेटा, वास्तु शास्त्र के हिसाब से इस हवेली का सबसे उचित स्थान यही है। मुझे यहाँ एक पवित्र रुद्राक्ष रखना होगा, ताकि ये रुद्राक्ष उस दुष्ट आत्मा की शक्तियों को बांधे रखे। बाबा, क्या अब हम उस दुष्ट आत्मा का अंत कर सकेंगे? पता नहीं बेटा, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है बाबा, आप दुष्ट आत्मा का अंत जरूर कर देंगे। बस तू यहाँ आ जा बाबा, तेरी वजह से ही मेरी काली शक्तियों का अंत हुआ है, और आज मैं तुझे मारकर उन काली शक्तियों को फिर से जिंदा करूंगा। लीजिए बाबा, हम पहुंच गए। हाँ बेटा, चलो आगे चलो। अरे बाबा, वो देखिए, मेरा दोस्त तुमा। नहीं बेटा, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त मर चुका है। ये सिर्फ एक झलावा है, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, ताकि वो तुम्हें भी मार सके और अपनी शक्ति को बढ़ा सके। बेटा, अब जरा पीछे देखो, वो झलावा भी गायब हो चुका है। हाँ बाबा, पर वो दुष्ट आत्मा कहाँ है बाबा? वो हमारे आसपास ही है बेटा, वो हमें देख रहा है। अरे ओ साधु, आखिरकार तू आ ही गया ना अपनी मौत के पास। बाबा, वो कहाँ चला गया बाबा? बाबा, वो हमारे पीछे है बाबा। आज तुम दोनों को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कहाँ गया? तूने मुझे मारकर मेरे शक्तियों को कैद किया था ना, अब मैं तुझे मारकर मेरे शक्तियों को आजाद करूंगा। अरे हो दुष्ट आत्मा, अभी भी वक्त है, छोड़ दे इस दुनिया को, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे वो कहाँ चला गया बाबा, अब हम क्या करेंगे बाबा? तुम फिक्र मत करो बेटा, मुझे पता है इसका अंत कैसे करना है। मैं अभी कभी मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, उसके बाद इसकी शक्तियाँ नष्ट होने लगेगी और ये खुद ब खुद हमारे सामने चला आएगा। हाँ बाबा, आप मंत्रों का उच्चारण शुरू कीजिए। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः। 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 अरे ओ बाबा, बंद कर इन मंत्रों का उच्चारण करना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर जिंदगी प्यारी है तो अभी कभी बंद कर दे मंत्रों का उच्चारण। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः। नहीं, मैं नहीं करूंगा इन मंत्रों का उच्चारण करना बंद। अगर तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है तो अभी के अभी इस हवेली और इस संसार को छोड़कर चले जा, वरना मैं तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। नहीं, ये हवेली मेरा है और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बाबा, ये बहुत दुष्ट आत्मा है बाबा, आप इसे मत छोड़िए, आप इसे मार दीजिए बाबा। क्या बोला, ये मुझे मारेगा? जा तू मर। बस, अब बहुत पाप कर लिया आत्मा तूने, अब तेरा अंत निश्चित है। ओम नमः शिवाय, ले मर। तुझे क्या लगा था मुझे मारना इतना आसान है? देख दुष्ट आत्मा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अगर तुझमें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो अभी कभी छोड़ दे इस हवेली को और इन संसार को और चले जा इन सब से दूर, वरना मुझे तुझे भस्म करना होगा। मैं इंसानियत के नाते तुझे एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? मैं तेरे इन चेतावनियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं नहीं जाऊँगा इस हवेली को छोड़कर और न इस संसार को। यह हवेली मेरा है और जो कोई भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार डालूंगा। बस, अब तेरा बहुत हो गया दुष्ट आत्मा, अब ले मर। ओम नमः शिवाय। अब इस दुष्ट आत्मा का खेल खत्म हुआ। अरे ये क्या, ये बच्चा तो अभी तक बेहोश है, चलो इसे चलकर उठाता हूँ। उठो, उठ जाओ बेटा। अरे बाबा, वो आत्मा कहाँ गया बाबा? बेटा, उस आत्मा का अंत हो चुका है, मैंने उस आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, अब वो इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आएगा। चलो बेटा,
अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ बाबा चलिए। सो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके भाई की वीडियो औरों तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।